हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट ब्लॉग चैनल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मोनी और चुन्नू दोनों दरवाजे पर बैठे हैं। ये बहुत आराम से, देखो देखो, अरे वाह। तो अब ये अंदर आ गए हैं। क्या है, मोनी जो है वो नहाती नहीं है। हमारे चुन्नू मुन्नू तो नहा लेते हैं, मगर ये नहीं नहा पाती है। घूमते रहती है प्लाट में शिकार के चक्कर में, तो कीड़े वीड़े इसके हो जाते हैं, इससे लिपटती है। चोई चोई कर लेती है भैया, निंजी भी आ रही है, बोझो ची निंजी आ रही है। कुछ नू को शिमी दर्द कीता है, फीवर आ गया है, शेर बहुत जल हो रहा है ना। और जो छे हो रहा है। ए मुन्नू, मिस्टर मुन्नू, आंखें खोल दो। चुन्नू बाहर से चिल्ला रहे हैं, आंखें खोल दो, टम 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 टम। नहीं खोल, पेट में दर्द हो रहा, अभी भी हो रहा था। है क्या हो रहा है, हाथ में? यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, बताओ। यहाँ पे हो रहा है दर्द का, ये माऊ भी दर्द करते हैं, सब दर्द करते हैं। पूरा एंजॉय कर रहा है चुन्नू मुन्नू। हम चुन्नू को एंजॉय कर रहा है ना उसके साथ। अच्छा, मोनी के साथ। मोनी बाहर है, मोनी से खेली खेली कीता है। तुम लेटे रहते हो भाई, तुम भी खेल लिया करो जैसे वो खेलता है, तुम भी खेलो। गिंदे हैं, बहुत गिंदे, सब हाथ माओ, सब गिंदे हैं, बहुत गिंदे हैं। मिट्टी भी है इसके यहाँ का। हाँ बाबू, हाँ पूछ ला रहा। अच्छा लग रहा है इसको। एसी में लेटा तो अच्छा लगेगा ही, मस्त एसी चल रहा है। कह रहा है हमें ऐसे प्यार करो, है ना कैसे लेटा आराम से। ठीक है, तबीयत इसकी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चुन्नू देखो, चुन्नू को अब ये क्या लेकर आया है, कॉकरोच ढूंढने के चक्कर में है। अब ये दबा के तो लाया था, लेकिन कॉकरोच है बड़ा, मैं भाग गया इसके मुंह से निकल गया, फिर पकड़ के लाया है ये। ओहो, मुंह के अंदर, वाओ वाओ। ये अब कुछ देर खेलेगा इसके साथ, खाता वाता नहीं है, खेलता रहता है, मारने की कोशिश में रहता है ये। वाह, अब इसने रखा है नीचे। ओ, अब कोई कपड़ा, हाँ अब ये बैठ गए कुर्सी पे। अब इनको जो हाथ में नहीं आया वो भाग गया। देखो भाई, हमारे अब ये तसल्ली से बैठ गए कि अब क्या करना चाहिए। इन्होंने ढेर सारा, मुन्नू भी चुन्नू भी दोनों बैठे हैं आराम से, और खाने के बाद क्या हरकत कर रहे हैं। वो नींद आई कुंभ कर, किसी चीज में तलाश में है ये, किसी चीज की। अब जाके उठा है, 2 घंटे से सो रहा है। अब जो है, अब फिर ये दूर अभी जो है इनकी फ्रेंड जो है, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया आपको, इनकी फ्रेंड अभी नहीं आई है, उसके तलाश में है ये। इधर देखो, थोड़ा सफाई अभियान भी चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है अभी। मुन्नू जो है सफाई में लगे हुए हैं। अच्छा, अब सफाई हो गई पूरी इनकी, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बेड का एक भी कोई भी कोना पकड़ के ये रेस्ट करते हैं। लो चीजी खाओ, चीजी खाओगे? इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कीड़े वीड़े हैं, वो जो है काट रहा है इसको। और ये भी सोई, मुन्नू जो है आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, ये भी अभी इन्होंने आराम से बैठे हैं ये चुन्नू।
अपने फ्रेंड की तो तलाश में बस है ये। अब इनको भी नींद आ रही है, अब 1-2 घंटे ये सोएंगे, उसके अब ये बाद फिर कितनी देर उठेंगे, में उठेंगे खाते कुछ हैं पता नहीं और है, सोते हैं, अभी इनका मन और नहीं है इनका कोई शायद, अभी तीसरा पूरी काम तरीके नहीं रेस्ट है। पर हैं ये। ज़्यादा छत पे चले जब जाएंगे, इनकी फोटो फ्रेंड वोटो क्लिक आएंगी करके आ मोनी, जाएंगे। एक जब आदत जाकर ये है चुन्नू उठेंगे। मुन्नू में कि ये घर के अंदर पोटी या सुसु नहीं करते हैं, ये अपना छत पर जा उठो करके या किसी दूसरे की चुन्नू, छत पे उठो, करके आ जाते हैं ये। अब बाकी थोड़ा सा मस्ती हिले नहीं हैं चुन्नू, मारेंगे, अब ये सब काम जाके इधर उधर करके आ जाते हैं। लोग शिकायत भी करते हैं, आपकी बिल्ली, अभी नहीं सुन नहीं रहे हैं आपके शायद, बिल्ली नींद ने में आ आके गए हैं पोटी ये, कर इनको नींद रखी आ है, रही है। बस तो इनका इनकी काम है शिकायतें सोना और बहुत आती खाना, हैं पोटी को लेकर के। खा लिया और सो गए। हाँ अब ये ओ फाइटिंग हो गई शुरू, अब आ गई मोनी जिसका इनको इंतजार था। अब बस इनकी नींद भी सब भाग गई है, अब यहाँ से की तलाश में है। मोनी ऊपर से देख रही हैं और चुन्नू नीचे हैं। वाह ये देखो वीडियो। अच्छा मोनी अब बैठी, ओ मोनी बड़ी है, आ गई, ये आ गई चुन्नू, खेली खेली कर रहे हैं भाई, ये सब खेली खेली, देखो देखो, ओहो, सोफे के नीचे, सोफे के ऊपर, कैसे इन्होंने कमर तहस नहस कर रखा है, कुछ भी चीजें सही नहीं रहने देते ये लोग, सब ऊबड़ खाबड़ इधर उधर फेंका फाकी करते रहते हैं। अब देखो चुन्नू की इस समय इनका खेलने का मूड है, अब मोनी है साथ साथ में तो और भी अच्छे से खेलेंगे ये। तीन है इस समय, चुन्नू मुन्नू और मोनी, तीनों ही इकट्ठे हैं। अब ये क्या करते हैं कि वैसे तो आज़ादी है इनको, घर में आज़ादी से रहते हैं, कोई इनको जो है कोई बंधन नहीं किसी भी प्रकार का। अब जब कोई और भी सारी बिल्लियां हैं छत पर, और भी 4-5 बिल्लियां और भी हैं, अगर वो आ जाती हैं तो ये इनको भगाने की कोशिश में रहते हैं। जैसे डॉगी है, अगर कोई बाहर का डॉगी आ जाता है तो कितना झगड़ा करते हैं, भगा पूरा भगा देते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, ऐसे इन बिल्लियों का है। ये उस तरीके की तो एक्टिविटी नहीं कर पाती हैं, मगर ये मतलब रोती हैं जैसे ऊ करके, जैसे कोई बड़ा रोता है तो लोग, पहले क्या है रोते थे तो किसी को पता तो था नहीं कि ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, कहते थे रो रहे बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्ली रोती नहीं है, ये कोई तीसरी बिल्ली, अगर कोई अनजान बिल्ली आ जाती इनके सामने है तभी जो इस तरीके की एक्टिविटी करती, रोने की एक्टिंग करती हैं ये, ताकि वो भाग जाए। अपनी भाषा में कुछ बात करते हैं ये उस टाइप में, हम लोगों को लगता है कि ये रो रहे हैं मगर ये रोते नहीं हैं। और सुबह सुबह की लोग बात करते हैं कि बिल्ली रोती है अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। हम तो 3-4 साल से बिल्ली हमने पाल रखी है तो मुझे पता है इनकी हर एक्टिविटी, हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और इन 4 साल में कोई भी दिक्कत मेरे घर में नहीं हुई है। ये रोते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, हर तरीके इनकी एक्टिविटी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है तो बुरा होता है, ये भी चीज़ गलत है, कोई रास्ता वास्ता बिल्ली नहीं काटती, जानवर हैं निकलते रहते हैं, गाय भैंस वगैरह नहीं निकलती हैं आपके रास्ते से, नहीं और निकलती हैं, तब तो आप कभी नहीं सोचते इस बात के लिए कि बिल्ली ने रास्ता का वो काट दिया, भैंसे ने या गाय ने, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर हैं, पशु पक्षी सारे तो निकलते हैं, जैसे हम लोग निकल रहे हैं, इंसान रोड पर चलते हैं ऐसे ये भी चलते हैं, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। हर जानवर अपनी जगह अच्छा है, प्यारा है, चाहे वो कोई भी जानवर हो। हाँ लेकिन आप जब उसे तंग नहीं करेंगे ना तो वो भी आपके साथ पेश प्यार से पेश आएगा, अगर आप उसको छेड़ते हैं तो फिर ज़रूर वो अपने बचाव के लिए आप हमला ज़रूर करेगा आपको, ये सभी बात पता है। तो इस समय ये गोद में बैठी है, बहुत मस्त होकर बैठा है चुन्नू, बस सारी खुशियाँ इसको मिल गई हैं, गोद मिल गई है, अधिकतर मेरे भी गोद गोद में बैठता है और कहता है हमको खिलाओ।